हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद हो कि आप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं बताऊंगी दोजक का एक बड़ा भारी सांप। और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के रोज़ एक सांप दोजक से निकलेगा, उसका नाम जर्जीस है। उसके सर सातवें आसमान पर होगा और उसकी दुम सातवें जमीन के नीचे होगी। जिब्रील उससे पूछे गया कि तू दोजक से बाहर क्यों आया है? वह कहेगा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पांच किस्म के आदमी लेने हैं। अव्वल, नमाज ना पढ़ने वाला। दूसरा, जगात ना देने वाला। तीसरा, सूद लेने वाला। चौथा, शराब पीने वाला। पांचवा, मस्जिद में दुनिया की बातें करने वाला। बस वे सांप उन पांच किस्म के लोगों को अपने मुंह में लेकर दोजक में जा घुसेगा। और दोजक साल भर में दो सांस लेती है, एक गर्म एक सर्द। जब दुनिया में गर्मी और सर्दी होती है तो उसकी यही वजह है, दोजक की चीख। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दोजक को कयामत के मैदान में लाया जाएगा तो उसके 70 बाजू होंगे और एक बाजू 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। और उसकी चिंगारियां महल जैसी होगी और वे एक ऐसी चीख मारेगी तमाम फरिश्ते और जिन इंसान, बल्कि नबी और रसूल भी सब डर जाएंगे। और उस और सब नफसी नफसी पुकार उठेंगे, यानी ऐ अल्लाह मेरी जान को दोजक से अजाब से बचा। उस वक्त कोई ऐसा ना होगा जो किसी की कुछ मदद कर सके, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी उम्मती फरमाएंगे, यानी ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को दोजक से बचा। सुभान अल्लाह, क्या शान है रहमत की और क्या चाहत है उम्मत की। वीडियो को पूरा देखना।